रामपुर में फर्जी MBBS डॉक्टर नरेंद्र कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आरोपी नरेंद्र कुमार अपने आप को MBBS डॉक्टर बताकर कई साल तक रामपुर जिले में फर्जी अस्पताल चलाता रहा है और लोगों को अपनी फर्जी डिग्री से मूर्ख बनाकर लाखों रुपए कमाता रहा। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र कुमार का खुलासा तब हुआ जब ये लखनऊ में फर्जी डिग्री बनवाते गिरफ्तार हुआ था। थाना सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने फर्जी डॉक्टर नरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपी की नवम्बर 2022 से तलाश थी। बीते वर्ष 27 नवम्बर को थाना सिविल लाइन पर नरेंद्र पुत्र छोटेलाल निवासी पिपलिया गोपाल थाना बिलासपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें फर्जी दस्तावेजों से SK हॉस्पिटल चलाने और इंडियन मेडिकल काउंसिल की धारा 34 का आरोप लगाया था। पुलिस को आरोपी की भी तलाश थी लेकिन वह फरार था। वहीं ASP संसार सिंह ने बताया कि फर्जी डॉक्टर नरेंद्र को मुखबिर की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी कर आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। रामपुर से संवाददाता उस्मान खान की खास रिपोर्ट। एक फर्जी डिग्री के साथ एक आरोपी को जेल भेजा है जो वांछित भी था। क्या है ये? 2022 का मुकदमा था और ये वांछित चल रहा था लगातार। नरेंद्र कुमार नाम है इसका। इसकी डिग्री फर्जी पाई गई और रजिस्ट्रेशन भी फर्जी पाया गया। उसी सिलसिले में इसे पकड़कर जेल भेजा गया है।